स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं वकास सिंह और फाइनली एक और बार हम लोग लड़ने वाले एलन के साथ। तो भाई इससे पहले वाली वीडियो में बहुत लोगों ने कहा था भाई एक और बार करना और इस बार ट्राई करना कि बेहतर हो। तो भाई बेहतर तो वो वाला भी था, इस बार भी बेहतर ही होगा। हमने सबसे पहले नॉक ऑफ लगाया लुकारियो पे क्योंकि होल आइटम ख़राब होना ज़्यादा ज़रूरी है और इसके अलावा मेरा गेंगार इसके किसी और पोकेमोन के अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकता अदर देन सलगैलियो के। तो मैं यहाँ पर बचा रहा हूँ अपने गेंगार को रेस्ट, उसके बाद विलो वेस्ट ताकि लुकारियो हो जाए बर्न। और मेरे को तो इतना पता है एक स्पेशल अटैक प्लस टू के साथ तो मेरे गेंगार को ना ही मारा जा सकता है, मतलब मारा नहीं जा सकता लिटरली, क्योंकि स्पेशल डिफेंस भी अच्छा है। ऑफ सूट है तो क्या हो भाई, R7 है वो भी देख लिया करो। पर हाँ काम हो गया मेरा, अब मैं जल्दी से लेकर आता हूँ सलगैलियो क्योंकि होल्ड आइटम ख़राब होने के बाद लुकारियो अडेप्टबिलिटी वाला भी कुछ नहीं कर पाता, ये तो वैसे ही फोर कोड वाला है। तो यहाँ पर बस हम लोग अपना सलगैलियो लेके आए, अब मैं लगाता हूँ फ्लेम चार्ज ताकि स्पीड हमारा प्लस वन हो जाए, उसका बल्क अप हो जाए और उसके बाद पूरी टीम खत्म हो जाए। पर ऐसा हो नहीं पाया। सामने है चारिज़ार्ड, वो भी अलॉय वाला, उसका फ्लैश फायर एबिलिटी है और अभी उसकी जो एबिलिटी है वो बूस्ट हो चुकी है तो फायर टाइम मूव बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे, पर फायर टाइम मूव्स है नहीं उस तरफ, वहाँ पर है रिफ्लेक्ट। तो बहुत लोग सोचेंगे कि भाई रिफ्लेक्ट क्या करता है, चार टर्न्स तक पूरे टीम का जो डिफेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर ये काम तभी करता है जब ओपोनेंट के पास ब्रिक ब्रेक जैसा मूव ना हो, और हमारे मोबाइल के पास क्या है, ब्रिक ब्रेक। तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी थ्रेट नहीं है, मेरे को इंतज़ार करना है एक दो टर्न, तब तक मैं यहाँ पर बल्कअप पे बल्कअप किया जा रहा हूँ। चारिज़ार्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है अगेंस्ट अर्थक्वेक जैसे मूव्स, तो मैं यहाँ पर वही करने वाला हूँ। मौका मिलेगा अर्थक्वेक लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। पर मौका जब तक मिलेगा तब तक शायद लेट ना हो जाए क्योंकि यहाँ पर विलो विश पड़ चुका है, हमारा बर्न स्टेटस जो है वो आ चुका है। बर्न ऑन सलगैलियो बहुत गंदा होता है, अगर आपका अटैकर हो तो, स्टेलर हो तो भाई उस पर कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी बुरा नहीं होता, उस पर कुछ भी हो वो ठीक हो जाएगा। पर अटैकर वाले पर बहुत ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि आपके अटैक बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं और आपको इस वक्त में अटैक की बहुत ज़रूरत होती है। हमने रेस्ट लगा लिया तो एक दो टर्न ठीक है उतने में मुड़ जाएंगे, उसके बाद हम मार सकेंगे अटैक। तो यहाँ पर आ चुका है मोबाइल सुपर फैंग, अगली बार मेरे को याद था सुपर फैंग है तो यहाँ पर गेंगार तो ला नहीं सकता, मे बी जीमूव पड़ जाएगा तो यहाँ पर पड़ा सुपर फैंग। पर अब हम लगाते हैं जीमूव और होप हिट हो जाए और डैमेज पड़ जाए, हिट हो तो जाना चाहिए लिटरली। तो ये हमने लगाया जीमूव और पड़ा सलगैलियो पे, ये पड़ गया जी मूव ठीक है। यहाँ पर ये सलगैलियो फ्लिंच हुआ है पर डिफेंस माइनस टू हुआ है। एक फ्लेम चार्ज लगा कर दिखाता हूँ आपको कि डिफेंस कितना है, अगर ठीक ठाक पड़ा तो डिफेंस अच्छा है, ठीक है डिफेंस अच्छा है। ये हमने हम पर रोर पड़ा है, ठीक है आ चुका है गेंगार, अब मेरा काम बन चुका है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने गेंगार को फर्स्ट रखो अपने अपने जो फॉर्मेशन होते हैं वहाँ पर, जब भी कोई रोर लगा के बचने की कोशिश करे ये पकड़ लेगा भाई, और नॉक ऑफ और फिर विलो विस। पर मैं यहाँ पर पोके बदल दे रहा हूँ, मैं इसीलिए बदल रहा हूँ क्योंकि सलगैलियो को R2 मूव भी होता है, हालांकि मेरे को तो भरोसा है कि एक हिट में मार नहीं पाएगा, पर काय को रिक्स लेना, ट्रिक रूम पड़ा है तो रिक्स नहीं लेते हैं। डियाल्गा आगे भेज रहा ताकि उसका जो R2 मूव है वो खत्म हो जाए जल्दी से। एक और बार रोर, हम उतर चुके हैं गाइज अपने गेंगार के साथ फिर से एक और बार। अब मैं लगाता हूँ विलो विस, रिक्स लिया जा सकता है। तो ये पड़ा विलो विस और सलगैलियो हो चुका है बर्न, मेरा काम यहाँ पर हो चुका है, सारी चीज़ें यहीं पर ख़त्म। अब मेरे को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मैं मोबाइल से एक बार आयरन हेड लगाता हूँ क्योंकि मेरे को पता है इसका मेटल बस्ट है, तो मैं अगर लगाऊंगा ब्रिक ब्रेक तो मेरा खात्मा होना पक्का है, तो मैं नहीं लगाने वाला। और मेरे को पता है कि सलगैलियो के पास मॉर्निंग सन है तो आगे चल के हम लोग इसे धीरे से भी मार सकते हैं, तो अभी स्टीलिंग्स को आगे भेजते हैं। ये ड्रैगन टेल लगा सकता है, ऊपर से फीचर भी है क्योंकि भाई सुपर फैंग यूज़ किया जा रहा है तो फीचर भी काइंड ऑफ फेयर बनता ही है ना, मतलब 30% एक्यूरेसी है तो इतना तो बनता ही है, पर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा सच बता रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तभी नहीं तो नहीं, या फिर गेम बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा तब, नहीं तो नहीं करने वाले हम लोग। ड्रैगन टेल लगाया, काम हो चुका है। मैं जी मूव तो नहीं लगाना चाहता लुकारियो पर क्योंकि लुकारियो ऐसे ही डेड होने वाला है, तो सलगैलियो लेके आते हैं, बर्न हो चुका है तो धीरे धीरे मर जाएगा, मेरे को यहाँ पर कुछ ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं। मैं सलगैलियो लेके आता क्योंकि रेस्ट लगाना चाहता हूँ, एच पी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है तो लुकारियो के अगेंस्ट एच पी रिकवर करना सही आइडिया होता है। मैंने यहाँ पर रेस्ट लगा लिया है, होप कोई दूसरा पोकेमोन ना आए पर आया क्या ग्राउडॉन, ये एक जी मूव के साथ मार सकता है, ये तो पक्का ही होता है लिटरली, इसके अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं स्नोरलैक्स लेके आता हूँ जो ग्राउंड टाइप मूव झेल सकता है, लिटरली झेल सकता है, और ऊपर से ये ग्रास टाइप पोकेमोन है, जी मूव भी ग्रास टाइप है और डिफेंस भी प्लस टू करता है, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मैं लगाता हूँ यहाँ पर जी मूव, कौन तेज़ है, स्नोरलैक्स हमारा तेज़ था लिटरली, मेरा स्नोरलैक्स ग्राउडॉन से तेज़ है और इसके आई वैल्यू 31 या फिर 28 के पास है, स्पीड वाले 20 या फिर ऐसे ही आसपास है पर 31 के नहीं है, मतलब 33 आई वैल्यू आज तक मेरे स्नोरलैक्स नहीं पहुंची, पर एक बार पहुंच जाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
हमने मर स्लैप लगाया, उसके बाद में लगाऊंगा ब्लॉक, उसके बाद बाइट कर देगा, खेल खत्म। अगर ज़्यादा लंबा चला तो फीचर भी लगाएंगे। तो अभी हम मर स्लैप पे मर स्लैप लगाए जा रहे हैं। मेरी जो पहली स्ट्रैटेजी यही थी कि जीमू वेस्ट हो जाए, और वो हो भी चुकी है, तो मेरे को ज़्यादा अपने यहाँ ज़्यादा जरूरत है नहीं मर स्लैप की, पर फिर भी लगा ही देते हैं ताकि और ज़्यादा मूव वेस्ट हो और मैं गेंगार लेके नॉकआउट वेस्ट लगा पाऊँ, और उसके बाद ग्राउडोन आराम से मारा जाएगा। मैं टॉन्ट भी लगाऊंगा, पर मैं चाहता हूँ इसका जो आर टू मूवी या फिर अर्थक्वेक है वो खत्म हो जाए। एक और अर्थक्वेक पड़ा है, ठीक है, मड स्लैप हमने एक और मारा है। अब जितना भी मारो आप ब्लॉक से नहीं भाग सकते। अच्छा, क्या मैं गलत हूँ या फिर सच में ग्राउडोन पे ड्रैगन टेल हुआ करता था? यार अभी नहीं है यार, मतलब लिटरली ड्रैगन टेल था शायद, मेरे को इतना याद है पिछली बार लड़े थे, हाँ ड्रैगन टेल था, पर अब नहीं है। हटा दिया, ये तो अच्छा किया, पर अभी शायद ज़रूरत पड़ जाती है उसकी। ड्रैगन टेल ज़्यादा अच्छा नहीं होता ड्राउडन पर, अनलेस एंड अंटिल आप काउंटर वाले यूज़ करते हो, मतलब काउंटर, ड्रैगन टेल, रेस्ट, स्लीप टॉक, तब अच्छा होता है। पर नॉर्मली बल्कअप, अर्थक्वेक, ड्रैगन टेल, रेस्ट, ये ग्राउडन वाई या फिर जेड पर ज़्यादा शोभा नहीं देता, एक्स वाले पर देता है क्योंकि उसका टाइप एडवांटेज होता है और स्टील टाइप मूव ज़्यादा डैमेज नहीं देते, या फिर दूसरे टाइप मूव कम ही डैमेज देते, ऊपर से सिर्फ एक वीकनेस है वो भी वाटर, वो भी गायब हो जाता है डेजोलेट लैंड की वजह से। पर जेड वाले पे ड्रैगन टेल ज़्यादा अच्छा नहीं होता, पर ऐसे सिचुएशन में ज़रूरत थी उसकी, पर अभी तो काम नहीं आया। सामने है चारिज़ार्ड, वो भी अलॉय वाला, तो यहाँ पे मैं फ्लैश फायर को ट्रिगर नहीं करना चाहता, तो मैं जल्दी से सलगैले लेके आता हूँ, क्योंकि वो लोग भी अगर पड़ता है तो हम लोग संभाल लेंगे। रिफ्लेक्ट का मेरे को डर कोई नहीं है, मेरे को कोई फिक्र नहीं है रिफ्लेक्ट की, 10 बार यूज़ किया जाए, 15 बार, 25 बार, 60 बार, 100 बार, क्योंकि गाइज मैं तब से खेल रहा हूँ जब रिफ्लेक्ट और लाइट स्क्रीन का ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, तब हर किसी के पास ये मूव्स हुआ करते थे। फिर आया एक बेहतरीन मूव जिसका नाम था ब्रिक ब्रेक, और फिर सब ने लाइट स्क्रीन रिफ्लेक्ट हटा लिए। क्यों? क्योंकि ब्रिक ब्रेक सारी चीज़ें तोड़ता है, डैमेज भी देता है, एक लेजेंडरी मूव है, और ये आपको इवेंट से मिल सकता है। मेरे को बस सही टर्न का इंतजार करना है, जैसे मेरा मोबाइल अटैक +2 या फिर +3 होगा एलॉय चारिज़ार्ड का जी मूव खत्म होने के बाद, मैं एक ब्रिक ब्रेक में खत्म कर दूंगा। रिफ्लेक्ट मेरे को नहीं रुक पाएगा क्योंकि ब्रिक ब्रेक है, तो फाइटिंग टाइप मूव सुपर इफेक्टिव और स्टील एंड फायर टाइप पोकेमॉन, तब खेल खत्म हो जाएगा। पर तब तक मेरे को इंतजार करना पड़ेगा जब तक एलॉय चारिज़ार्ड का जी मूव खत्म नहीं होता, क्योंकि तेज़ होगा, मे भी मेरे ख्याल से तेज़ होगा ही, क्योंकि एलॉय चारिज़ार्ड या फिर चारिज़ार्ड तेज़ पोकेमॉन होते हैं, एलॉय वाला तेज़ होता है, मेरे पास भी हुआ करता था चारिज़ार्ड वाई हुआ करता था, वो तेज़ था, ऑब्सूट होने के बावजूद भी बहुत तेज़ था, तो मैं रिक्स नहीं लेने वाला। हमने लगा चुके हैं एक्चुअली ब्लॉक मोबाइल पे। अब मैं यहाँ पर बाइट लगा रहा हूँ ये सोचते हुए कि शायद सुपर फैंग आएगा, पर सुपर फैंग नहीं आया अभी तक, मे बी और एक बार अटैक बूस्ट किया जाएगा, ये हो चुका है। अब मैं फिशर लगा दूँ या फिर एक और बार बाइट लगाना चाहिए? तो बाइट लगाता ज़्यादा अच्छा होता, बहुत अच्छा होता, पर हमने यहाँ पर मड स्लैप लगाया। क्यों? मैं एक्यूरेसी बर्बाद करना चाहता हूँ, ये मैंने गलत किया, पर गलत नहीं किया है, सही भी किया है, एक्यूरेसी बर्बाद होगी, तब मैं दूसरे पोकेमॉन्स लेके आ सकता हूँ, अटैक कर सकता हूँ, जैसे गेंगार, नॉक ऑफ विलो वेस्ट, और क्या ही चाहिए मेरे को, इसके अलावा मेरे को चाहिए भी नहीं था। पर हाँ, एक्यूरेसी ख़राब हो चुकी है, मैं सलगैलियो लेके आता हूँ, देखना चाहता हूँ हिट हो रहे हैं या फिर नहीं, अगर होंगे तो मैं सलगैलियो के साथ खड़ा रहूँगा, अगर नहीं होंगे तो मैं गेंगार जल्दी से लेके आ जाऊँगा। ये आ चुका है सलगैलियो, एक बार कर लेते हैं बल्का फ्लेम चार्ज, अर्थक्वेक, जी मूव तो बचा नहीं, सलगैलियो ऊपर खत्म हो गया था, ये पड़ा ठीक है यहाँ पर सुपर फैंग। मेरे को नफरत है सुपर फैंग से, लिटरली बहुत ज़्यादा नफरत है, सुपर फैंग से नफरत है, डार्क वर्ल्ड से नफरत है, ये चीज़ें मतलब बैटल शुरू होने से पहले ही डिसाइड कर देती है, मतलब आधा एचपी खा गया भाई बंदे के, तो उसके बाद बचा किया कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैं रेस्ट लगाता हूँ, तो अभी भाई रेस्ट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, और मेरे को पता है सुपर फैंग की पीपी पे ज़्यादा नहीं होती है, खत्म होने वाली होगी, या फिर नहीं भी होती है तो हम डियाल्गा लेके आ जाएंगे, वो खत्म करा देगा भाई, वो हर चीज़ खत्म करा देगा। पर डियाल्गा मैंने क्यों रखा है? एलॉय म्यूटे का जी मूव वेस्ट करने के लिए, क्यों डबल जी मूव पड़ेगा तो शायद झेल नहीं पाएंगे। चलो आज हम चैलेंज लेते हैं कि झेल के दिखाएंगे सामने आज का एलॉय म्यूटू, मैं चेंज नहीं करने वाला, मैं देखना चाहता हूँ कि दो दो जी मूव मार पाएगा सलगैलियो को, क्योंकि फ्लेम चार्ज है, मेरे को स्पीड का कोई डर नहीं है, तो देखते हैं भाई। एक टर्न बाकी अभी उठने में, पर फिर भी हम लोग रिक्स लेते हैं, लेके देखते हैं कि जी मूव बहुत ज़्यादा डैमेज देगी, होल्ड आइटम वगैरह कुछ टच नहीं किया, नहीं ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ रहा है। सलगैलियो पर अनवर एबिलिटी होता है तो सोच सकते हो, पर मैंने सुना है कि एलॉय म्यूटू के पास होल्ड आइटम मतलब जो एबिलिटी होती है उससे स्टील टाइप मूव्स का डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पर फिलहाल आप देख सकते हो तकरीबन एक जैसा ही है, बाद में थोड़ा इंक्रीज हुआ ज़रूर, पर थोड़ा ही हुआ, ज़्यादा बड़े क्वांटिटी या फिर अमाउंट पर नहीं हुआ। अभी हम इसका जो आर टू मूव है वो वेस्ट करेंगे अपने डियाल्गा लाके, एक बार एलॉय म्यूटू का जो स्टील टाइप मूव्स खत्म हो जाए तब वो बड़ा थ्रेट नहीं रहता, तो मैं वही करने वाला हूँ। एक पड़ गया मतलब टोटल 3 खत्म हो जाए, आखिरी 2 बचे, यूज़ तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फ्लेयर ब्लेज हम लगाएंगे। रेस्ट अब लगाऊंगा क्योंकि काम हो चुका है, साइकिक ज़्यादा डैमेज नहीं देगा, जीमो पड़ चुका है, नॉक ऑफ होल्ड आइटम खराब हो चुका है, रेस्ट भी हमने यूज़ कर लिया, एक फ्लेयर ब्लेज काफ़ी होना चाहिए अधमरा करने के लिए, लिटरली अधमरा करने के लिए काफ़ी होना चाहिए, और जितना मैंने सोचा था उससे कहीं गुना ज़्यादा डैमेज दिया है। एक और बार और एलॉय म्यूटू डेड है, पक्का डेड है ये, बस एक और बार फ्लेयर ब्लेज पड़ जाए
जैसे भी पढ़े कैसे भी पढ़े, बस पढ़ने ज़रूरी है। 40,000 रुपये पड़ा है। अब यहाँ पर जी मूव आएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, अंदाज़ा पड़ चुका है। मेरी टीम में कोई नहीं है जो झेल सकता है, स्टीलिंग झेल सकता है, पर उसको बचाते हैं, गेंगार को जाने देते हैं, क्योंकि गेंगार ने अपना काम कर दिया। सर गैलियो डेड हो चुका है, लुकारियो भी अधमरा हो चुका है, लॉ म्यूट भी डेड हो चुका है, और फाइनली 40,000 का जो थ्रेड मेरे को लग रहा था वो भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ड्रैगन टेल इस्तेमाल करूँगा मैं, ताकि जो अटैक बूस्ट मिला है ये बाजू हट जाए और मैं बेफिकर मोबाइल का इस्तेमाल कर पाऊँ आगे चल के। ये पढ़ा हम पे विलो वेस और मैं लगाता हूँ ड्रैगन टेल, ताकि जो अटैक या स्पेशल अटैक बूस्ट मिला था वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाए। सामने है लुकारियो, तो ये बड़ा थ्रेड तो होगा नहीं, पर मैं जब चाहूँ तब कोई और पोकेमोन ला के यहाँ पर खेल ख़त्म कर सकता हूँ। पर मैं आगे कर देता हूँ डियाल्गा को, क्योंकि ये मर भी जाता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और मेरे को इतना तो पता ही कि लुकारियो अटैक करेगा ही करेगा। ये देखो किया भी, फ्लेयर ब्लेज अटैक करेगा तो सही है, नहीं भी करेगा तो सही है, क्योंकि डियाल्गा भी सही है। ये पड़ा फ्लेयर ब्लेज और लुकारियो थोड़े से बचा है पर मर जाएगा पक्का। मेरे को मारने की ज़रूरत है नहीं, और मैं मोबाइल लाऊंगा और स्वॉर्ड डांस करूंगा। स्वॉर्ड डांस क्यों? क्योंकि लुकारियो अपने आप बॉन स्टेटस से मारा जाएगा और मेरे को यहाँ पर अटैक करने की ज़रूरत है नहीं। जब मौका मिलेगा तब मारेंगे, या फिर अगर मौका मिलेगा अभी तो हम नहीं मारेंगे, इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अभी मैं देखना चाहता हूँ कि एलॉय चार्जर कितना बेहतर होता है। क्योंकि अगर अच्छा टर्न आउट हुआ तो हम लोग भी कभी अपनी टीम में ट्राई करेंगे, पर अब वो वक्त नहीं रहा कि सिक्स्थ पोकेमोन डिसाइड करने के लिए मैं अभी वर्ल्ड लीग में आऊँ। पर सोच रही हमने सिक्स्थ पोकेमोन क्या होगा, बस इवेंट में आएगा हम लोग ले लेंगे, आएगा हम लोग लेंगे। ब्रिक ब्रेक सल गया खेल का था, मेरे को पता है मेरा मोबाइल तेज़ होगा। अब बस एक पोकेमोन बचा है, कौन सा? एलॉय चार्जर। तो अभी मैं अटैक बूस्ट कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो, पर काउंटर भी हो सकता है या फिर वोलोविस भी आ सकता है। तो अटैक थोड़ा और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए मैं स्टीलिंग्स लेके आता हूँ। क्यों? क्योंकि एक बार एलॉय चार्जर यहाँ से हटे, मैं स्टीलिंग्स हटा के जल्दी से मोबाइल लेके आऊँगा, दो बार स्वॉर्ड डांस करूँगा उसके बाद ब्रिक पे, क्योंकि मे बी अटैक प्लस टू वाला तो झेल जाएगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये सेवन स्टार है तो हाँ झेल तो जाएगा पक्का। अगर वोलोविस मेरे मोबाइल पर पड़ा मेरा मोबाइल ख़त्म हो जाएगा, पर दो टर्न चाहिए होंगे ना, तो दो टर्न तक तो भाई बहुत ज़्यादा डैमेज दे देगा। पर तब तक हम स्टीलिंग्स के साथ थोड़ा इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार का फल मीठा होता है, और जैसे चल गया ही उठ जाएगा और ज़्यादा मीठा हो जाएगा भाई, लिटरली सच बता रहा हूँ। सामने है लॉय म्यूटू, तो एक बार हम फिशर लगाएं या फिर रेस्ट माल करते हैं, मैं रेस्ट माल करता हूँ ठीक है। अब होप गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि बैटल अभी ख़त्म हो गया, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।